हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गाइस। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। स्टोरी हेलो गाइस, करीम नगर नाम के एक गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो उस गांव में एक सिलेंडर की एजेंसी चलाता था और घर घर सप्लाई करता था। और चंदू के साथ रामू नाम का एक लड़का भी काम करता था। वो बहुत ही होशियार और बहुत ही अच्छी बातें करता था। रामू की पढ़ने लिखने की उम्र थी। अगर वो स्कूल जाता होता तो अभी तक पांचवी कक्षा में पढ़ता होता। उसके घर की परिस्थिति के कारण उसे काम करना पड़ रहा था और ऐसे में बेचारे को अगर कोई कुछ कह देता तो। क्यों रामू, पढ़ाई छोड़ के काम कर रहे हो? हाँ वो भी ठीक ही है, बिना बाप के घर में तुम्ही को तो काम करना पड़ेगा ना। ऐसे कोई दया से बात करे तो उसे बहुत बुरा लगता था और वो तुरंत जवाब देता, सुनो भाई साहब, धनवानों के लिए होती है ये पढ़ाई लिखाई, दूसरे तो धन कमाने के लिए होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख क्या गए, ज्ञान बांटने आ जाते हैं। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग, ऐसे जोर जोर से जवाब देता था। रामू शाम के समय अपने पड़ोस के घर में रहने वाली टीचर से कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी मैथ्स, जो भी उसका मन करे उसकी शिक्षा प्राप्त करता था। लेकिन उस गांव में एक गड़बड़ थी। जब भी कभी कोई सिलेंडर की बुकिंग कराता था तो उसे कभी भी समय से सिलेंडर ही नहीं मिलता, क्योंकि शातिर चंदू सिलेंडरों को किसी होटल या मेस में ज्यादा मोल पे बेच देता था। एक दिन टीचर के घर में कुछ रिश्तेदार आने के कारण गैस खत्म हो गई। तभी किसी को तकलीफ ना देने वाली टीचर रामू के पास आकर सिलेंडर की मदद मांगती है और हमारा रामू मदद करने के लिए हमेशा आतुर सीधा जाकर चंदू के पास जाकर, चंदू हमारे टीचर को एक सिलेंडर दे दो ना। ऐसा पूछते ही चंदू बोला, अरे रामू, जो बुक करते हैं उन्हीं को मिलता है बड़ी मुश्किल से, दो दिन के बाद मिलेगा, जा। और तभी होशियार रामू बुक कराए हुए सिलेंडर का नंबर दिखा के बोलता है, देखो चंदू, बुक करके दो हफ्ते हुए हैं, तुमसे कोई फ्री में नहीं ले रहा मैं। देखो रामू, वो होटल वाले सिलेंडर का दाम से 500 रुपए ऊपर देते हैं, तुम मुझे 200 दे दो, मैं तुम्हें सिलेंडर दे दूंगा। ये सुन के रामू को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन विचार करता है, तरीके से तो उसे घर घर जाकर बुक कराया हुआ सिलेंडर लोगों को देना चाहिए, लेकिन चंदू कैसे धोखा दे रहा है लोगों को। ये सोचकर दुखी और उदास हो जाता है। फिर अगली सुबह चंदू कोई भी होटल जाता तो लोग उसे सिलेंडर ही नहीं खरीद रहे थे। ये देखकर चंदू मजबूरी में जिसने बुकिंग किया उसी को सिलेंडर देने चला गया। इसी तरह कुछ महीनों तक कोई भी चंदू से ज्यादा पैसे देकर सिलेंडर नहीं लेता। एक दिन वो मायूस होकर रामू के पास आकर बोलता है, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, कोई मुझसे पहले की जैसे ज्यादा पैसों में सिलेंडर ही नहीं ले रहा। ये सुन के रामू मन ही मन हंसता है और उसे अपनी इस तरकीब पे बड़ा नाज होता है। दरअसल रामू ने हर एक होटल वाले और गांव के लोगों के पास जाकर चंदू की इस करतूत के बारे में बता दिया था और अपने मालिक के धोखेबाजी का नकाब उतारा। रामू की इस बात को सुनकर सब लोग चंदू से सिलेंडर लेना बंद कर देते हैं और रामू की इस बात को कोई भी चंदू तक नहीं पहुँचने देता और इस प्रकार रामू चंदू के गलत तरीके के व्यापार को बंद करवा देता है और अब चंदू घर घर सही समय पर सबका सिलेंडर पहुंचाता था और वो जहां भी जाता लोग उसे शुक्रिया कहते। इसे चंदू को बड़ी ही खुशी मिलती। ये सम्मान और इज्जत देखकर चंदू बदल गया और उस दिन से उसने वो धोखेबाजी का काम छोड़ दिया। बुकिंग करने वालों को समय पर अपना सिलेंडर मिलने लगा और ये काम रामू ने बिना किसी झंझट के बड़ी आसानी से निपटा दिया। कभी कभी जिंदगी में हमारी आंखों के सामने अन्याय चल रहा होता है और हमारा खून खौल जाता है। हेलो गाइस, इस वीडियो के लाने इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर और अपने दोस्त कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, टाटा एंड।